हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गोरा होने का 100% असरदार नुस्खा बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल ब्यूटी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। दोस्तों, आज के समय में भला कौन नहीं चाहता है कि उसका चेहरा गोरा हो और वो सुंदर दिखे, लेकिन हर किसी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज के समय में टैलेंट होने के साथ साथ खूबसूरती भी मायने रखती है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ खूबसूरत दिखना जरूरी होता है। आज के ज़माने में लड़का हो या लड़की, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। वहीं इसके अलावा कई बार दाग धब्बे और मुहासे चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। वहीं ये बात भी सच है कि इस चीज़ को छिपाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कई लोग तो चेहरे की इन समस्याओं का इलाज करने के लिए कई तरह के मेडिसन्स, सप्लीमेंट या फिर कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं ये बात भी सच है कि कई बार तो हमारे देश में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई सारी लड़कियों का रिश्ता इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनके चेहरे पर पिंपल बने रहते हैं और चेहरे की सारी रंगत बिगड़ जाती है। ऐसे में उन लड़कियों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उनके लिए ऐसा उपाय लाए हैं जिसको अपनाकर आप रातों रात अपने डार्क सर्कल, दाग धब्बे आदि से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम कुछ घरेलू उपाय करके चेहरे को गोरा और खूबसूरत बना सकते हैं। घर पर किए जाने वाले आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे करने में आसान, असरदार और सस्ते भी होते हैं। वहीं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक के किसी भी नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आप भी इस नुस्खे को बिना सोचे समझे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने चेहरे की रंगत में निखार ला सकते हैं और कैसे अपने बेजान और रूखे चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मुल्तानी मिट्टी, बेसन, चंदन पाउडर के साथ गुलाब जल भी चाहिए। वैसे तो आपने सामान्यतः कई बार इसका प्रयोग किया होगा, लेकिन आज हम जिस तरह से इसके प्रयोग का तरीका बताने जा रहे हैं, आपने शायद ही वैसे कभी इसका प्रयोग किया होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना होगा और फिर उसमें करीब 1/2 चम्मच बेसन लेना होगा। इतना ही नहीं, इसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर मिला लें। अंत में इसमें 7 से 8 चम्मच गुलाब जल डाल दें। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अब इस घोल को आइस ट्रे में डाल दें और फ्रिज में 4 से 5 घंटे तक रख दें। उसके बाद जब वो अच्छे से जम जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप साफ कपड़े पर लेकर 2 से 3 आइस क्यूब ले लें और इसके बाद धीरे धीरे स्किन पर 5 मिनट तक मसाज करना है और फिर 15 मिनट तक चेहरे पर रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करीब हर रोज 15 दिनों तक करने से आपको रिजल्ट साफ साफ समझ में आएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसे एक बार तैयार करने के बाद आप कई दिनों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं।